आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली स्पेशल सौंदेश पनीर केक। बंगाली में इसे सौंदेश बोला जाता है। बंगाल की बहुत ही ज़्यादा फेमस ये मिठाई है। आप इसे बना सकते हैं। इस दिवाली आप कुछ नया ट्राई करने की सोच रहे होंगे। दिवाली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनती हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई है। आप इसे ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। और इसे बनाना इतना ज़्यादा सिंपल है कि कोई भी इसे आसानी से बना पाएगा। और इस दिवाली आप कुछ नया ट्राई कीजिए। मैंने इसे थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनाया है। इसके हम बर्फी बना सकते हैं या लड्डू भी बना सकते हैं। बहुत तरह से सौंदेश बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसे कुछ डिफरेंट तरीके से बनाया है। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी मिठाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सौंदेश मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पनीर लिया है। ये 400 ग्राम पनीर है। ये मैंने घर पे ही बनाया है। आप चाहें तो बाज़ार का भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े हमें कट करने हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पनीर है। अगर आपको घर पर कैसे सॉफ्ट पनीर बनाए इसकी रेसिपी चाहिए तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ पहले शेयर की है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके पीसीज कट कर लिए हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट पनीर है। अब इसको हम पीस लेंगे, ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें डालकर इसको हम पीस लेंगे, जिससे बहुत ही ज़्यादा ये और भी फ्लफ़ी और सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल सॉफ्ट एकदम नरम है ये। अब मैंने यहाँ 200 ग्राम चीनी ली है। चीनी का मैंने पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो यहाँ बूरा भी ले सकते हैं या आप चाहे तो यहाँ देसी खांड भी ले सकते हैं। आधी छोटी चम्मच मैंने इलायची पाउडर डाल लिया है। चलिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से मसलना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये चिकना हो गया है। मैंने एक से दो मिनट इसे मसल लिया है। अब एक पैन लेंगे और उसमें हम पनीर को डालकर लो फ्लेम पर करीब करीब 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। इसको ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है और गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, हमें लो फ्लेम पर ही ये पकाना है। जब तक कि इसमें से हल्का हल्का घी रिलीज ना हो जाए, तब तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। तो चलिए पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। देखिए थोड़ी देर में ही बिल्कुल हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। अब मैंने यहाँ आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके बगैर भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई बना पाएंगे। देखिए मैं मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। इसमें मिल्क पाउडर से एकदम मावे का टेस्ट आएगा। सौंदेश मिठाई में कई तरह की मिठाइयों का टेस्ट होता है, बिल्कुल जैसे कलाकंद बनाते हैं, जैसे मावे की मिठाई बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा टेस्ट इसमें आएगा। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बस ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा इसने घी रिलीज़ कर दिया है। अगर इससे ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो वो बिल्कुल दानेदार बन जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसका केक बना रहे हैं। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको और पका लेंगे। देखिए इसने घी रिलीज़ कर दिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और निकाल लेंगे इसे। यहाँ मैंने एक टिन लिया है, केक टिन लिया है। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, आपके घर में ऐसा हो तो आप ले लीजिए। और इसमें मैंने बटर पेपर लगा सकते हैं आप। मैंने यहाँ नॉर्मल कागज़ को ही थोड़ा सा घी से ग्रीस करके वो लगा दिया है, क्योंकि जब हम इसमें केक बना रहे हैं तो वो निकालने में आसानी होगी। तो चलिए डाल देते हैं। और इसे हम स्पैचुला से अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से इसको सेट कर देंगे। देखिए मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है। अब इसको हम फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। 1 से 2 घंटे हो गए हैं। चलिए निकाल लेते हैं इसे।
बहुत ही आराम से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसमें घी से ग्रीस किया हुआ पेपर लगाया था। अब मैंने यहाँ बारीक कटे हुए पिस्ता लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं अपनी पसंद का और उससे गार्निश कर सकते हैं। तो चलिए इसे गार्निश कर देते हैं, जिसे देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा और खाने में एकदम टेस्टी हो जाएगा। तो चलिए इसे डेकोरेट कर देते हैं अच्छे से। इस दिवाली आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। आप इसे पीसेस में कट कर सकते हैं या आप स्क्वायर पीसेस में कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो आप इसे कट कर सकते हैं। देखिए मैंने पिस्ते से इसको अच्छे से गार्निश कर दिया है। अब मैं यहाँ इसको कट करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। चलिए कट कर लेते हैं। आप अपने पसंद से इसके पीसेस कट कर सकते हैं। कट करने से ही पता चल रहा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है, एकदम सॉफ्ट बिल्कुल। आप खाएंगे ना ये मिठाई तो आपके मुंह में एकदम घुल जाएगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है, एकदम सॉफ्ट। कट करने से ही बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको, बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट है एकदम। पर सोचिए खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी होगा ये। संदेश पनीर केक मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है कि बस देखते ही खाने का मन कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई है और बंगाल की एकदम फेमस ये मिठाई है। आप इसको इस दिवाली ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए मैं यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ, देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और एकदम ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। तो इस दिवाली कुछ नया कीजिए, धनतेरस भी है, दिवाली है, भाई दूज है, बहुत सारे त्यौहार हैं, तो इन त्यौहारों पर आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली टू ऑल।